हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी उदित राणा यानी मैं। तो आज हम हैं गंगा के किनारे ऋषिकेश में, और यहाँ पर मैं आज आ रखा हूँ जितने भी जो मेरा मिशन है, मिशन आत्मा शांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड। जितने भी गोरखालैंड के लिए जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पर मैं श्राद्ध कर रहा हूँ। तो कल पूजा है, तो आज उनके नाम पे पानी चढ़ाने के लिए मैं गंगा के किनारे पे आ रखा हूँ। तो बाकी सफ़र शुरू करते हैं। इफ़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करना कि मतलब कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी, प्लीज़ कमेंट करना। बाकी चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं हरिद्वार के लिए। तो अभी यहाँ से मैं मयंक के यहाँ जाऊँगा, मयंक को पिक करके फिर हम निकलेंगे हरिद्वार के बाद। तो ये स्कूटी मैंने स्टार्ट करने के लिए रख लिया है, तो ये हेलमेट वगैरह भी सब ले लिया है, बाकी रेडी हूँ। और बाकी आप भी तब तक बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मयंक का कॉल आया और वो कह रहा है कि मतलब तू रास्ते पे रुक जा, हम वहीं से ही निकल जाएंगे करके। तो मैं यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ, वो लोग भी आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर दो सर और मैडम पहुंच चुके हैं, ये काफी लेट करवा दिया। तो अब यहाँ से ये लोग पेट्रोल भरवाएंगे, फिर हम भी निकलते हैं। तो बाकी अब तक स्टे ट्यून्ड। ये अब स्टार्ट हो गए, अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ये मेरे भाई छो अनि एक्ल आउँदै छ। हम यहाँ से शुरू हो गए हैं, हम प्रेम नगर पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार तो नहीं जा रहे हम, क्योंकि गंगा जी तो ऋषिकेश में भी है, तो मैं ऋषिकेश में ही पानी तर्पण दूंगा। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं हाईवे में। तो हम यहाँ से कितना दूर होगा, क्या 30 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर है। तो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश, फिर उसके बाद फिर हम नहाने भी जाएंगे। तो बाकी तब तक बने रहिए हमारे साथ, और मैं किलवाल के साथ भी। तो फिलहाल गाइस, यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर, फोटो सेशन किया, तो अब हम निकलने के लिए रेडी है। तो अब हम सीधे ऋषिकेश में भी लेंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सा ऋषिकेश से 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर हम रुके हैं ये गन्ने का जूस पीने के लिए। तो हम पीते हैं आप थोड़ा गन्ने का जूस, उसके बाद हम निकलेंगे। लाओ भाई, फिर उसके बाद हम सीधे आप ऋषिकेश में रुकेंगे। तो यहीं पर रुके हुए अभी हम फिलहाल, सब वहीं के मम्मी पापा भी आए हुए हैं, वो हॉस्पिटल जाएंगे, ये थोड़ी देर हॉस्पिटल जाएंगे शायद, इसके बाद हम सीधे निकलेंगे ऋषिकेश। तो बाकी तब तक बने रहो, बने रहो। गन्ने का जूस पी लिया है, बाकी वो लोग पीछे पी रहे। तो यहाँ से थोड़ा सा ऋषिकेश का थोड़ा सा जो नजारा है वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर एक नदी है, वो सूखी हुई है, गंगा जो गंगा माँ गंगा है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, जो ऋषिकेश का जो विलेज स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये देख सकते हो आप, पूरा ये पूरा पहाड़ी एरिया है। तो मुझे अपने दार्जिलिंग का याद आ गया, यहाँ पर जैसे आ गया तो पूरा ये पहाड़ देख के दार्जिलिंग का मतलब वो यादें, गांव की यादें ताज़ा हो गई। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये पूरा विलेज स्टार्ट है यहाँ से। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए थोड़ी देर रेस्ट किया, अब हम सीधे निकलेंगे ऋषिकेश के। और बाकी चलिए हम निकलते हैं। हो गया। तो दोस्तों, हम ऋषिकेश तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मयंक के मम्मी पापा का जो स्कूटी है वो पंचर हो चुका है। तो अभी मयंक जा रखा है उधर ही आंटी अंकल के पास,
तो हम दोनों अभी यहीं पर चल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मतलब छाव पे बैठ रहे हैं, तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। तो मुझे नाना भी है, तर्पण वगैरह भी देना है, तो जल्दी जल्दी करके आने। तो अगर टाइम मिला तो राम झूला और लक्ष्मण झूला भी दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जाना ही है हमने वहाँ पर, तो आपको भी दिखाऊंगा। शाना मंजी हॉर्न बजा के तो फाइनली गाइस हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और हम अभी फिलहाल है गंगा किनारे, और हम ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये राम झूला क्रॉस करके आए हैं, और हम नहाएंगे वहाँ, शायद वहाँ मैं बोल रहा कि वहाँ पर है। अच्छा, तो ये पूरा गंगा जी है, पूरा आप देख सकते हो पूरा गंगा जी है। तो यहीं पर मैं पानी का तर्पण दे के फिर वहाँ पर जो देख रहे हो आप वहाँ पर बीच टाइप का बना हुआ है किनार, तो वहीं पर नहाएंगे, तो वहीं पर नहाऊंगा और सीधे वहीं पर तर्पण भी दूंगा। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं मयंक के पापा का, तो सीधे आगे चले गए थे और हमने डाइवर्जन लिया था। तो बाकी तब तक बने रहो। तो फिलहाल अभी हम राम झूला के पास है, तो अभी नहाने से पहले यहाँ पर हम बैठे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आंटी अंकल लोग, अंकल अभी ऊपर चले गए थे फिर वापस आए। तो यहाँ पर हमारी बहन रश्मि गोलगप्पे खा रही है, तो यहाँ पर भी एक और वीडियो शूट हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फिलहाल अभी गोलगप्पे खा रहे हैं आंटी लोग, तो उसके बाद हम जाएंगे नहाने। तो मैं अपना हाफ पैंट लाना भूल गया, तो मैं पूरा ट्रैक में ही नहाऊंगा। निकल रहे हो? हाँ, अबे अमन लगाना नीचे से। पूरा नीचे से पानी निकल गया। तो पानी पूरी हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो हम दोनों भूल गए मतलब हाफ पैंट लाने के लिए, भाई ने तो पहन रखा है लेकिन मैं भूल गया। तो ये है देखो गंगा का किनार ऋषिकेश में, तो देख सकते हो आप, काफी अच्छा लग रहा है। वहाँ चल आ रहा। गंगा का पानी बहुत ठंडा है, तो मैं पानी चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ओए आ गया। तो दोस्तों हमने पानी वगैरह चढ़ा लिया, गंगा जी में थोड़ा नहाया भी, और काफ़ी ठंडा पानी है एकदम, सीधे पहाड़ों से आ रही है तो मतलब काफ़ी ठंडा है। तो अब हम निकल रहे हैं ऊपर लक्ष्मण झूले की ओर, तो अभी कपड़े कुपड़े पहनते हैं, तब तक बने रहो। बाकी दोस्तों कपड़े वगैरह हमने पहन लिए, अब हम यहाँ से निकलते हैं दूसरी जगह की ओर, तो बाकी वहीं जाके दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो पता नहीं है कहाँ जाना है, देखते हैं वहीं कहाँ लेके जाता है, तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस हम घर पहुँच चुके हैं, रास्ते में
बहुत बारिश होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो कल श्राद्ध का पूजा है तो हम ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश जाने के बाद फिर पानी वगैरह चढ़ा, कल पूजा है तो बाकी बहुत बीत चुका हूँ। दवाई लेके फिर मैं सीधे सो जाऊँगा। बाकी जो कल का पूजा है वो भी दिखाऊँगा आपको, तो तब तक स्टे ट्यून। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है तो आज पितरों का पूजा भी है और मैंने पानी वगैरह पूरा चढ़ा लिया, नहा धो लिया। अब मैं जा रहा हूँ उधर घर पे, तो जहाँ पर पूजा होने वाला है तो मैं सभी के नाम पे पूजा करूँगा वहाँ पर भी। और जैसे मेरे मम्मी पापा दादा दादी जो बड़े पापा हैं मतलब उनके नाम पे भी पूजा हो रहा है, तो साथ साथ जितने भी लोग गोरखालैंड के लिए शहीद हुए थे उनके नाम पे भी मैं पूजा करूँगा। तो चलिए पहले वहीं पर चलता हूँ, तो सभी से मिलाऊंगा अभी आपको। तो ये पूजा का हो चुका है सामान, तो अभी फिलहाल पंडित जी आए नहीं है, अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा पूजा का सामान हो चुका है। और ये है मेरी छोटी बुआ, सबसे छोटी बुआ, आई बोल दो। हाँ तो क्या हुआ, ये है मेरी माइली बुआ। तो ये दोनों मेरी बुआ है, मेरी बुआ है, बड़ी बुआ अभी घर पे है। तो अभी यहाँ पर अभी पूजा का मतलब पूरा प्रसाद वगैरह बन रहा है, तो अभी दोनों बना रहे हैं बढ़िया। और ये है मेरी भाउजू, तो ये है मेरी भाभी, तो ये है मेरे बड़े भैया की दीदी। तो दोस्तों पूजा अभी स्टार्ट होने वाला है, तो पंडित जी भी आ गए हैं। और मैं जितने भी गोरखालैंड के लिए शहीद हुए थे 86 के टाइम पे, 2017 के टाइम पे, तो उनके नाम पे भी करवा रहा हूँ। मतलब जितने मतलब सभी के नाम पे मैं पूजा करवा रहा हूँ, और मेरी फैमिली करवा रही है मेरे साथ, तो फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो बाकी बस चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा खत्म हो चुकी है, तो सुबह से मेरा भी व्रत था, तो भौजू बहन और छोटी बुआ मतलब पूरी वगैरह आप खाना के लिए मतलब रेडी हो रहा है। तो होप ये मतलब जो ये वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो पार्ट आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हमें ये बहुत पसंद आया। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।